आज के इस मौके पर सबसे पहले मैं सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर की हृदय से बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनके जिन शिक्षक लोगों को रिटायरमेंट के बाद भाई आशुतोष मौर्य जी ने, आशीष जी ने और उनके सभी साथियों ने सम्मानित करने का फैसला किया, उसके लिए मैं सभी इस कार्यक्रम के आयोजक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और गुरुजनों को बधाई देते हुए और ये आपसे अपील और अनुरोध करता हूं कि आप भले ही औपचारिक तौर पर शिक्षक कार्ड से जरूर रिटायर हुए हैं लेकिन मैं समझता हूं आपकी शिक्षा की जरूरत हमारे समाज को लगातार रहेगी क्योंकि आपका जो अपना अनुभव है उस अनुभव का लाभ आने वाली पीढ़ी जितना ले सके उतना कम होगा, जब तक ले सके उतना कम होगा। इसलिए मेरी अपील और प्रार्थना है जो रिटायर्ड शिक्षकगण हैं कि अपने जो मार्गदर्शन है वो समाज में किसी न किसी रूप में आप सबको हमेशा देते रहना है, ये हमारी आप सभी से प्रार्थना है। जहां तक शिक्षक दिवस का सवाल है, मैं समझता हूं किसी भी देश और समाज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई है तो देश के शिक्षक है। किसी देश के सामने कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, कितने भी बड़े संकट आ जाए, अगर उस देश के पास अपने शिक्षक मौजूद हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां और संकट को पार करने का काम देश के शिक्षक कराते हैं। यह है शिक्षकों का समाज और देश के निर्माण के लिए महत्व है। चाहे कोई भी चुनौती आए, कोई भी परेशानी हो, लेकिन अगर बेहतर शिक्षक हैं, बेहतर गुरु हैं, बेहतर मार्गदर्शक हैं तो समाज के लोगों की ऊर्जा का सही उपयोग करके राष्ट्र को फिर से खड़ा करने की हैसियत अगर किसी एक बिरादरी में सबसे ज्यादा है तो हमारे शिक्षक लोगों में है। इसलिए शिक्षक लोगों को जितना भी हम लोग नमन करें, सम्मान करें उतना कम होगा। आज का ये मौका मैं आशुतोष जी को और उनके साथियों को बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे भी परम सौभाग्य दिया, एक साथ इतने गुरुजनों का सम्मान करने का मुझे जो सौभाग्य दिया उसके लिए भाई आशुतोष जी और उनके साथियों मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस इस बात के लिए कर रहा हूं कि जिन्होंने पूरा जीवन अपना समाज को समर्पित किया, देश को समर्पित किया, आने वाली पीढ़ी को समर्पित किया है, ऐसे लोगों का सम्मान करने का मौका मैं समझता हूं बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है और ये मंच पर बैठे हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली के आज गुरुजनों का सम्मान करने का मौका हम साथियों को मिला है। जहां तक साथियों शिक्षकों का सवाल है, ये देश के अंदर भाषण तो बहुत सारे लोग देते हैं, तमाम दलों के लोग देते हैं, लेकिन आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं शिक्षकों का सम्मान, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया है तो समाजवादियों ने, आज नेताजी और माननीय अखिलेश जी ने ही करने का काम किया है। यह अलग बात है कि आज हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनी, नहीं मुझे एहसास है तमाम प्रतिनिधिमंडलों से मुझे भी मिलने का मौका मिला, जब बधाई के लोगों के आशीर्वाद से लोकसभा में था उस समय भी आवाज उठाने का मुझे मौका मिला और इस बार भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी को घोषणा पत्र जारी किया था, अगर समाजवादियों को सरकार बनाने का मौका मिलता तो निश्चित तौर पर हमारे शिक्षकों की जो पुरानी पेंशन की सबसे बड़ी समस्या थी उस समस्या का समाधान करने का काम हमारे समाजवादी लोग करके दिखाते सर। देखिए समाजवादी मैं इस मौके को अपने शिक्षक साथियों से कहूंगा, भले ही हमारी सरकार नहीं बनी, भले ही हमारे सपनों को 5 साल और लगेंगे पूरा करने में, लेकिन समाजवादी लोग दृढ़ संकल्पित हैं और जब आप सबके और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, आगे अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो मैं अपने शिक्षक साथियों को और सरकारी कर्मचारी साथियों को भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी आपकी पुरानी पेंशन बहाली के लिए दृढ़ संकल्पित कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में जब मौका मिलेगा तो उसको पूरा करने का भी लोग काम करेंगे। मेरे साथियों इस मौके पर आज जो भी शिक्षक दिवस है मुझे कोई बड़ी राजनीतिक चर्चा प्रशिक्षा नहीं करनी है, लेकिन इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई है, जिस तरीके से लोगों के सामने चुनौतियां
लोगों आप लोग बैठ के सोचते होंगे जब शिक्षण कार्य करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिल में जरूर रहता होगा कि ये बच्चा अपना प्रभावशाली है और ये जाके किसी न किसी समाज की बड़ी सेवा में शरीक होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने से तमाम जो अवसर मिलने चाहिए, नौजवानों को पढ़ लिख के तैयार होने के बाद जो अवसर मिलने चाहिए, उन अवसरों को लगातार समाप्त करते हुए बेरोजगारी की पराकाष्ठा तक बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं इस मौके पर कहूंगा, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, सरकारी कर्मचारियों की समस्या हो, समाज के किसी भी वर्ग की समस्या क्यों ना हो, हर समस्या के प्रति आदरणीय अखिलेश यादव जी का संघर्ष और समाजवादी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा, ये हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। मुझे यकीन है विश्वाली जी क्रांतिकारी सर्जनी जहां से हमेशा हम समाजवादियों को आशीर्वाद मिला है, एक बार फिर से आशुतोष मौर्य जी को आपने अपना आशीर्वाद देकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने का भी काम किया है। इस सरजमी से जरूर हमारे समाजवादियों की लड़ाई को एक नई ताकत और नई ऊर्जा और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। इस उम्मीद और विश्वास और भरोसे के साथ एक बार फिर सभी आयोजकों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। अपने सुचित अपने शिक्षक सभी शिक्षक गुरुजनों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और सारी चीजें हैं जो शिक्षकों की कहेंगे तो पूरा दिन हो सकता है, रात हो सकती है, लेकिन गुरु की महिमा खत्म नहीं हो पाएगी, इतनी महिमाएं हैं। लेकिन इस पावन मौके पर मैं आप सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।